हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड मैथ्स से पैराडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चन आंसर 2023-24 के लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि अभी एग्जाम होने वाले हैं बहुत सारे स्कूलों में और कुछ स्कूलों में एग्जाम हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं ये हम देखेंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और EBS ये चार पेपर्स के पैराडिक टेस्ट क्लास थर्ड के पेपर डाल चुके हैं, रिवीजन क्वेश्चंस पेपर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज अवश्य देखें। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट फॉर्म, इसके शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है। तो चलिए हो जाता है 100 + 75 = 70 + 5। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इस प्रकार 175। इसी प्रकार जो है 300 + 40 + 3, तो इसको हम 343 इस प्रकार हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 200, इसी का थर्ड है। तो 200 + 20 + 2, तो 222 इस तरह इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 100 + 40 + 5, तो 145 शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखाएगा। इसी प्रकार इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका अपोजिट एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे इस तरह का 175 लिखा रहेगा तो इसको आपको 100 + 70 + 5 इस तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म रहता है, तो उसमें आपको अपोजिट लिखने आ जाता है। 200 + 30 + 6, तो 236 इस तरह इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसी में फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखा रहता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा रहता है, और इसी प्रकार मान लीजिए 175 नंबर दिया गया, तो फिर यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना होगा 100 + 70 + 5 इस तरह इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। तो दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में या एक्सपेंड फॉर्म में, दोनों में से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस में कोई भी चीज बढ़ रही है, जैसे 100 200 300, इसमें क्या हो रहा है 100 की गैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, ये इसका नेक्स्ट पैटर्न हो गया 400। अब इसी प्रकार देखते हैं 1A 2B 3C, यानी नंबर्स हमारा क्या हो रहा है 1 2 3, ये नंबर सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और फिर ABC अल्फाबेट तो फिर आगे हमारा बढ़ रहा है, तो ABC और D, इस प्रकार ये 4D हो गया नेक्स्ट पैटर्न सीक्वेंस। नंबर C रेक्टेंगल ट्रायंगल, फिर क्या हो जाएगा हमारा ये वापस ट्रायंगल रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ट्रायंगल रिपीट। नेक्स्ट इसी प्रकार नंबर D में AA BB CC, ये पैटर्न हमारा क्या चल रहा है अल्फाबेटिकली, पहले कैपिटल हो रहा है फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एक साथ होके फिर आगे बढ़ रहा है B फिर C, यानी सीक्वेंस में ABC अल्फाबेटिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल D और स्मॉल D, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न। उसी प्रकार नेक्स्ट पैटर्न ये हमारा हो गया ई में एरो है फिर स्टार है, फिर एरो है फिर क्या हो जाएगा स्टार, तो ये स्टार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंचुरी, मतलब ये 100 है इसको हमें कंप्लीट करना है। क्या दिया गया 56 में कितना हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग करके देखेंगे, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ये 100 - 56 हम करेंगे तो 100 में से 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा 44, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सिंपल एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन आप कर लेंगे, 100 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44, तो ये हो जाएगा आंसर 44।
यानी 56 में से 44 को हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा। इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि 100 में 76 में हम कितना ऐड करेंगे तो हमारा 100 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम 76 में से 100 में से 76 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24, 76 प्लस 24 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में होता है। चलिए ये असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो बोलेंगे। तो हमारा पहला नंबर जो है सबसे कम है ये हो रहा है 43, फिर हमारा हो रहा है 45, नेक्स्ट 67 एंड लास्ट 89। ये हो गया हमारा असेंडिंग अरेंज यानी कि बढ़ते हुए क्रम में नंबर हो गया। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे, इसमें सबसे छोटे नंबर हो रहे हैं 33, फिर हमारा हो रहा है 66, देन 88 एंड लास्ट 99। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट, वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा उसको पहले हम लेंगे, उसके बाद सीरियल वाइज कम होते होते सबसे लास्ट में छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या हो रहा है, 92, नेक्स्ट हमारा हो रहा है 92, 86, 77 एंड लास्ट 55। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर जो घटते हुए क्रम में हो रहा है। नेक्स्ट इसी प्रकार इसको हम देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हो जा रहा है 80, देन हमारा 67, 80, 67, फिर 43 एंड देन लास्ट हो जा रहा है 32। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम देख रहे हैं राइट नंबर्स ने, ये नंबर्स दिए गए हैं, इसके नंबर्स हमें लिखने हैं। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड, टेन पोजीशन पे क्या हो रहा है, 100 वन है, टेंस पे 40 है, फोर जीरो 40 एंड सिक्स में वन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 146 नेक्स्ट इसी प्रकार हो जाता है 178 नेक्स्ट हो गया हमारा 156 156 इसको हम नंबर्स में इस प्रकार लिखेंगे 100 लिखाएगा HUNDRED 178 यहाँ हो जाएगा 1HUNDRED 100 इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ फिर आपको मैं ये लिख के बता दी 156 FIFTY 56 एंड नेक्स्ट ये क्या हो गया 123 WENTY 23 अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो क्रॉस टिक एंड क्रॉस द पिक्चर विच इज डिवाइडेड इंटू मिरर हाल वे से डॉटेड। ये मिरर इमेज में अगर इसको कन्वर्ट करके दो मिरर हाफ यानी हाफ हाफ इक्वल डिस्टेंस ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमें डॉटेड में बता रहे हैं कौन से इमेज में। तो पहला है यस, तो हम इसको कॉपी करके लिख देंगे यस। दूसरा भी हमारा हो रहा है यस एंड तीसरा हो रहा है
नो, क्योंकि इस साइड आप देखिए अलग शेप बन रहा है, इधर कॉर्नर में अलग शेप बन रहा है, तो दिस इज नो. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर्स फॉर ईच वर्ड. अब ये हमारा जो है वर्ड में लिखा गया है, इसको हमें नंबर्स में लिखना है. तो 80, 98, 98, 98. नेक्स्ट हो गया 105, 105. 342, 342. 571, 571. एंड लास्ट हो गया अपना 221. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन. ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो पहला है, फैंसी हैड 43 पेंसिल, ही बॉट 35 मोर पेंसिल्स. तो हाउ मेनी पेंसिल सी हैव नाउ. यानी फैंसी के पास 43 पेंसिल था और उसने 35 पेंसिल और खरीद लिया, तो अब इसके पास कितने पेंसिल्स होंगे. तो यहाँ पर हम करते हैं 43 प्लस 35. तो इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 43 और नीचे आप यहाँ इसके 35 और फिर यहाँ पर हम लाइन खींचें, इस तरह भी हम प्लस कर सकते हैं, जैसा कि हम सिंपल में प्लस करते हैं. ये हो गया 4 और 3, 5, 5 और 3, 8 हो गया 5 और 3, 8 एंड 4 और 3, 7. 4 and 3 ये हो गया 7. तो ये हो गया 78. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह आप करके बता सकते हैं. यहाँ पर हम प्लस का साइन लेंगे और इस तरह आप इसे कर सकते हैं. इसको इस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे हो गया 43 प्लस 35. यहाँ पर हम प्लस करेंगे 5 और 3, 8 एंड 4 और 3, 7. तो इस तरह ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चंस नंबर बी में हम इस प्रकार देखते हैं, टीनी कलेक्टेड 84 stamps. टीनी 84 stamps कलेक्ट करती है. हिज फ्रेंड कलेक्टेड 65 stamps. उसके दोस्त जो है 65 stamps कलेक्ट करते हैं. तो हाउ मेनी स्टाम्प दे कलेक्टेड ऑल टुगेदर. इन्होंने दोनों ने मिलाकर कितने स्टाम्प्स कलेक्ट किए. तो इसमें भी फिर हम इसी प्रकार करेंगे 84 and 65. इसको हम यहाँ से ऐसे प्लस करेंगे 4 और 5, 9 और 8 और 6, 14. तो 149. ये इसका आंसर क्या हो गया, 149. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. अब इसको हम देख लेते हैं. मेजर द राइट लेंथ ऑफ गिव ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्केल. स्केल से हम इसको मेजर करके लिखेंगे कितना सेंटीमीटर है, 1 centimeter, 2 centimeter. इसी प्रकार कॉम को भी हम मेजर करके स्केल से लिखेंगे, 1 या 2 centimeter जो भी है इसे आप मेजर करके लिखेंगे. जैसे सपोज मान लीजिए पेंसिल को आप मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में आता है 12 centimeter. हम मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 centimeter. उसी प्रकार कॉम कितना आ रहा है, तो कॉम भी आ रहा है हमारा 10 centimeter. अलग अलग साइड का रहता है, तो इसको आप स्केल से मेजर कर लेंगे और फिर तो जितना सेंटीमीटर्स का ये रह रहा है
इसको हम मेजर करके यहाँ पर ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्सेशन मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में इसको हमको कन्वर्ट करना है। जैसे 8 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कंप्लीट कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 × 100, तो यहाँ हो जाएगा 800, ये हो गया 800 सेंटीमीटर। इसी तरह इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने से आप देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है लास्ट में इस प्रकार का ऐड करना, जिसमें आपका हो जाएगा 4 और 3, यहाँ पर 7, और 5 और 2 7। इसी प्रकार 6 और 3 हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड 5 और 2 7। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 173 है, तो यहाँ पर 100s टेंस के पोजीशन पे क्या हो रहा है, 7, एंड वंस के पोजीशन पर 3 आ रहा है। तो ये हमें इस प्रकार फिलअप करना है। उसी प्रकार 100 के पोजीशंस पे 4 है, टेंस के पोजीशंस पे यहाँ 0 है तो हम 0 लिखेंगे, और 1 के पोजीशंस पे यहाँ हमारा 1 है। कैसे हम पढ़ते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा हो जाता है टेंस के पोजीशन पे 2, हंड्रेड के पोजीशंस पे 6, और वंस के पोजीशन पर 9। तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। तो ये थे आपके पैराडिक फर्स्ट टेस्ट के रिवीजन मैथ के क्वेश्चन आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं।